Now the second topic is state of religious minority reports. This is very important क्योंकि Prime Minister Economic Advisory Council की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है और इसके ऊपर आप न्यूज़पेपर्स में आने वाले दिनों में भी काफी कुछ पढ़ेंगे. सो वी विल डिस्कस इट थोरली सो दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड अंडर वन वीडियो. नाउ रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात. रिलीजियस माइनॉरिटी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल माइनॉरिटी क्या होती है? हम बात कर रहे हैं नंबर्स की. यस, नंबर्स की. माइनॉरिटी, मेजोरिटी, दिस आर व्हाट? नंबर्स. तो एक तरीके से मैं अपनी स्टेटमेंट को रिफाइन करूं, मैं बोलूंगा हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की. हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, नंबर्स की, हेड काउंट्स. उसके बेसिस पे कुछ लोग, कुछ कम्युनिटी मेजोरिटी होती है, कुछ कम्युनिटी माइनॉरिटी होती है, क्वांटिटी के बेसिस. क्योंकि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली इज अ गेम ऑफ नंबर्स. अभी इलेक्शंस हो रहे हैं इंडिया में. विच पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? नंबर्स. हाउ मेनी वोट्स दे हैव रिसीव्ड, हाउ मेनी सीट्स दे हैव वन. तो क्वांटिटी की अपनी एक क्वालिटी भी होती. दिस इज ए इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट विथ क्वांटिटी. जब कभी कंपेरिजन हो कि क्वांटिटी चूज करें कि क्वालिटी चूज करें, हाउ मेनी फ्रेंड्स यू शुड हैव फॉर एग्जाम्पल, कितने आपके दोस्त होने चाहिए, तो ज्यादा दोस्त होने चाहिए कि कम हों पर बहुत अच्छे हों, ये बात की जाती है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी. लेकिन यहां बात यह है कि क्वांटिटी की अपनी क्वालिटी भी होती है. अगर हिंदू फॉर एग्जांपल मेजोरिटी में है इंडिया में, तो जो डोमिनेंट वैल्यूज हैं इंडियन स्टेट की, इंडियन सोसाइटी की, दैट विल डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट हिंदू मेजोरिटी बिलीव्स इन. एक तरीके से जो नॉर्मल कस्टम्स हैं, जो बिहेवियर है डे टू डे लाइफ में, ये सब आपको उसी से डराइव होता दिखाई देगा. क्वांटिटी इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, पर्टिकुलरली सोसाइटल एस्पेक्ट. उसकी अपनी एक क्वालिटी होती है. तो रिलीजियस माइनॉरिटीज की जब हम बात कर रहे हैं, तो दिस रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट सिंस 1950 टू 2015. ये जो पूरा फेज है हमारा अराउंड व्हाट 65 ईयर्स, इस फेज में दे आर गोइंग फॉर क्रॉस कंट्री कंपैरिजन अक्रॉस द ग्लोब. तो ऐसी कंट्रीज जहां पे मेजॉरिटी रिलीजियस जो कम्युनिटी थी वो बाय डेटा एस्टैब्लिश्ड थी 1950 में और 2015 के बीच में, ये लार्जर जो चेंजेस हो रहे हैं रिलीजियस कंपोजिशन में उसको ये देख रहे. नाउ जो मेगा ट्रेंड्स हैं इस समय जिनका कैस्केडिंग इफेक्ट है, ट्रांसफॉर्मेटरी इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, कल्चर के ऊपर, वो हैं डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड क्लाइमेट चेंज. लेकिन इन चारों में जो मेगा ट्रेंड्स हैं उनमें डेमोग्राफी एक ऐसा मेगा ट्रेंड है जिसके ऊपर आप प्रिडिक्टेबल होता है, इसका डेटा कलेक्शन भी काफी साइंटिफिक है, इसको आप क्रॉस कंट्री कंपेरिजन कर सकते हो एंड वट एवर लेसन्स यू वॉन्ट टू ड्राइव यू कैन डू दैट. डेमोग्राफिक जो ट्रेंड्स होते हैं दे आर बेसिकली शिफ्ट जब होते हैं तो इट एग्रीगेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी विद इन एंड बिटवीन कंट्रीज, गवर्नेंस को भी स्ट्रेन करते हैं, फ्यूलिंग फ्रिक्शन बिटवीन स्टेट्स एंड पीपल. मेजर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और ऑल्सो अंडर वे अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द वर्ल्ड. चेंज जो होता है रिलीजियस कंपोजिशन में पॉपुलेशन का कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्यों रिलीजियस किसी सोसाइटी का कंपोजिशन चेंज हो रहा है. उसमें से होता है माइग्रेशन, conversion, differences in fertility rates and variation in territorial boundaries as a result of political process. तो ये important factors है जिनकी वजह से religious जो population है, जो dynamics है society के अंदर over a large period of time, जैसे यहाँ 1950 से 2015 तक देखा जा रहा है, ये जो पूरा phase है इसमें अगर religious composition change हो रहा है तो इन चार वजहों से change हो रहा है. इसको ये जो स्टडी है वो मेजर कर रही है एंड दे आर सिंपली ट्राइंग टू डिराइव कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट. हाइपोथेसिस क्या है? क्योंकि कोई भी स्टडी होती है उसकी कुछ हाइपोथेसिस होती है, विदाउट दैट द स्टडी इज इनकम्प्लीट. तो हाइपोथेसिस ये है कि चेंज इन द प्रोपोर्शन ऑफ माइनॉरिटी पॉपुलेशन एज अ शेयर ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज इन कंट्री ओवर टाइम. जो पॉपुलेशन चेंज है, अगर माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो ये गुड प्रॉक्सी है कि वो कंट्री जो है इट इज वेरी कंड्यूसिव फॉर द ग्रोथ ऑफ माइनॉरिटीज. नाउ यू मे आस्क सर व्हाट इज द इशू? क्वांटिटी की बात आप कर रहे हो, क्वांटिटी बढ़ने से आप कह रहे हो क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन इतना भी फर्क नहीं पड़ता. मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ी है सब जानते हैं, लेकिन क्या उनकी जो
ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है क्या वो इंप्रूव हुई है, यू मे आस्क दिस क्वेश्चन, बट जनरली स्टडीज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेक्स रेशियो की अगर हम बात करते हैं, तो अगर सेक्स रेशियो हम देख रहे हैं कि पर 1000 मेन हाउ मेनी वुमन आर देयर, अगर उनका नंबर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं ये भाई जनरली कंड्यूसिव एनवायरमेंट है फॉर वुमन इन द सोसाइटी। तो वो एक बैरोमीटर है जो यहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। तो सोसाइटी विच प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट एनवायरमेंट फॉर पब्लिशिंग ऑफ माइनॉरिटीज मोर लाइकली टू विटनेस और इंक्रीज और स्टेबिलाइजेशन इन नंबर्स ओवर पीरियड ऑफ 3 generations। साथ ही साथ अगर किसी सोसाइटी में हॉस्टाइल एनवायरमेंट है माइनॉरिटीज के लिए, तो उनका नंबर जो है आपको कम होता दिखाई देगा एज अ शेयर ऑफ टोटल ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन। रिलीजियस डेमोग्राफिक्स जो है दे हैव एक्सपीरियंस सब्सटेंशियल चेंजेस इन मून सोसाइटी अराउंड द वर्ल्ड बिटवीन 1950-2015 एंड दीज चेंजेस आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ की ओवरऑल पॉलिसी एनवायरमेंट क्या है अफेक्टिंग माइनॉरिटीज विद इन द कंट्री। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट। फाइंडिंग्स क्या है, 40 कंट्रीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे बात की जा रही है दैट एक्सपीरियंस द बिगेस्ट चेंजेस, मोर देन हाफ आर इन अफ्रीका, जहां सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं रिलीजियस कंपोजिशन में, उनमें से हाफ जो है अफ्रीका में। एनिमिज्म, वर्शिप ऑफ नेचर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस डिनोमिनेशन रहा है दुनिया भर में सिंस टाइम मेमोरियल, जब वेन ऑल आवर एंसेस्टर्स वेर ट्राइब सिंपली लिविंग इन स्टोन एज उसके बाद से। लेकिन जो डेटा सेट है वो हमें कह रहा है कि मेजोरिटी रिलीजियस डोमिनेशन था ये 24 कंट्रीज में 1950 में, बाय 2015 इट वाज नो लॉन्गर द मेजोरिटी इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज। तो कंप्लीट एनाहिलेशन एनिमिज्म का हमें दिखाई दे रहा है एक तरीके से। 33 out of 35 ओईसीडी कंट्री, दीज आर द डेवलप्ड वर्ल्ड, हैव विटनेस अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ मेजोरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन, इसमें से 30 हैव सीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन। इन द सेम पीरियड 25 out of 38 कंट्रीज जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थे वहां पे दे हैव सॉ एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मेजोरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो अगर एनिमिज्म डिक्लाइन हो रहा है तो मुस्लिम कंट्रीज में जहां ऑलरेडी वो मेजोरिटी थे वहां पे उनके मेजोरिटी और भी ज्यादा तेजी से बढ़। 94 कंट्रीज जिनको दैट रिपोर्टेड बीइंग क्रिश्चियन मेजोरिटी, 77 सॉ ए डिक्रीज इन द शेयर ऑफ मेजोरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो क्रिश्चियनिटी इज ऑल्सो एक तरीके से जहां पे वो मेजोरिटी थी उनका नंबर घटा है 77 कंट्रीज में। ग्लोबली जो है मेजोरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज गॉन डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 22%। मेजोरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन अक्रॉस कंट्रीज हैव गॉन डाउन बाय 22%। इसका मतलब ये हुआ कि वो सोसाइटीज और भी ज्यादा हेट्रोजीनियस हो रही हैं, वहां पे जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो और भी इंप्रूव हो रही है। 20 कंट्रीज ऐसी थी विच हैव सीन द मैक्सिमम इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स बिटवीन 1950-2015। इनमें से जो कंट्रीज हैं 20 कंट्रीज में मेजोरिटी जो कंट्रीज हैं वो क्रिश्चियनिटी की हैं या इस्लाम की, जहां पे क्रिश्चियनिटी इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन था उनका नंबर और भी बढ़ा है। 20 कंट्रीज ऐसी दैट हैव सीन द मैक्सिमम डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स, ओनली 3 ऑफ देम हैड क्रिश्चियनिटी और इस्लाम बेस्ड डिनोमिनेशन। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जहां जहां है कंट्रीज में, 20 कंट्रीज इनकी बात कर रहे हैं, वहां पे उनका जो नंबर है अगर डिक्लिनेशन डिक्लाइन हुआ तो केवल 3 कंट्रीज में हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा इंक्रीज है। बोथ आर अब्राहमिक रिलीजन्स और एनिमिज्म जैसे मैंने आपको कहा अफ्रीका के अंदर काफी डिक्लाइन हुआ है ये, तो दे आर जहां वो मेजोरिटी थे तेजी से उनका डिक्लाइन देखा जा रहा है। रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंजेस मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कितना रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ चेंज अगर हम बात करें तो यू कैन सी रेट ऑफ चेंज मोस्टली एशिया अफ्रीका के अंदर आपको स्टीप चेंजेस दिखाई देंगे। जो रेडिश मार्क है या ये जो कलर है यू विल सी कि यहां पे स्टीप चेंजेस डेमोग्राफिक चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में भी आपको चेंज दिखाई देगा, मेजोरिटी का जो शेयर है उसमें वी आर समवट -10% के अराउंड, अगर उसके ऊपर हम बात करेंगे इंडिया स्पेसिफिक। लेकिन जो रेड कंट्रीज जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, बांग्लादेश है, भूटान है, या फिर ये जो आपको कंट्री इंडोनेशिया दिखाई दे रही है, यहां पे स्टीप चेंजेस हुए। यहां पे जो रेड है वहां पर मेजोरिटी का नंबर बढ़ा है, जो ग्रीन है वहां मेजोरिटी का नंबर डिक्लाइन हुआ है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब नाउ यू मे आस्क कि सऊदी अरेबिया यहां पे क्या कर रहा है। सो इनकी जो मेथडोलॉजी है स्टडी की वो ये है, इस्लाम के अंदर ही बहुत सारे सेक्ट होते हैं, तो हनाफी जो सेक्ट है उसका नंबर यहां पे कम हुआ है। ओवरऑल इस्लाम की मेजोरिटी है लेकिन सेक्ट जो था, जो मेजोरिटी था 1950 में, उसके नंबर
उसका नंबर गिरा है, इसलिए ग्रीन आपको कलर यहां पे दिखाई दे। अब सुन्नी मुस्लिम्स मोस्टली ले आते हैं। नाउ ओईसीडी कंट्री से अगर हम बात करें जो डेवलप्ड वर्ल्ड है एक तरीके से, तो यहां आपको जो चेंजेस दिखाई देंगे वो बहुत ही स्टीप है, नेगेटिव चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये जो ब्राउन कलर है, तो मोस्टली यहां जो रिलीजियस मेजोरिटी का जो नंबर था वो डिक्लाइन किया है कंपेयर टू 1950 से 2015 के बीच में स्टीप डिक्लाइन हमें ओईसीडी कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा है। आई एनालाइज इट के उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस। स्टेबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें जहां रिलीजियस डेमोग्राफिक चेंजेस शेयर ऑफ मेजोरिटी स्टेबल है बाय एंड लार्ज, तो आपको अफ्रीका के अंदर या फिर जो वेस्टर्न एशिया मिडिल ईस्ट है वहां पे दिखाई देगा, तो थाईलैंड इज ऑल्सो देयर, दिस इज द नेबरिंग कंट्री ऑफ थाईलैंड। इसके अलावा अफगानिस्तान है, ईरान है, दिस इज टर्की एंड कंट्रीज इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, यहां मोस्टली आपको स्टेबल पॉपुलेशन जो है वो दिखाई दे रही है, मेजोरिटी को बहुत बड़ा यहां नुकसान या चेंज नहीं हुआ। नाउ नंबर ऑफ कंट्रीज विद रिड्यूस मेजोरिटी शेयर इन 2015, जहां पे वो 1950 में मेजोरिटी थे, मेजर रिलीजन था, एनी मिजम 24 कंट्रीज में मेजर रिलीजन था। नंबर ऑफ कंट्रीज विद इंक्रीज मेजोरिटी शेयर इज 0, जहां पे कम हुआ वो 24 है। बुद्धिस्ट 7 कंट्रीज ऐसी थी जहां मेजोरिटी थे 1950 में, उनका जो शेयर है मेजोरिटी का वो 5 कंट्रीज में कम हुआ है, 2 कंट्रीज में बढ़ा है, जैसे भूटान इसका एक एग्जांपल, श्रीलंका एग्जांपल है जहां पे बुद्धिस्ट परसेंटेज बढ़ा है। इसके अलावा चाइनीज फोक रिलीजन एक मेजोरिटी था, आज भी एक मेजोरिटी है। क्रिश्चियनिटी 94 मेजोरिटी कंट्रीज थी 1950 में, अभी 77 जो नंबर है, बेसिकली नंबर ऑफ कंट्री विद रिड्यूस मेजोरिटी शेयर इज 77 कंट्रीज में कम हुई है मेजोरिटी, इंक्रीज मेजोरिटी शेयर इन 17 कंट्रीज। हिंदूज 2 कंट्रीज 1950 मेजोरिटी थी, नंबर ऑफ कंट्री विद रिड्यूस मेजोरिटी इंडिया और नेपाल, दोनों में हिंदूज की मेजोरिटी कम हुई है कंपेयर टू ओवरऑल पॉपुलेशन, और जो इंक्रीज है वो 0 है ओबियसली। मुस्लिम्स 38 कंट्रीज में 1950 में मेजोरिटी था, 13 कंट्रीज में नंबर्स और बढ़े हैं, 13 कंट्रीज में नंबर कम हुए हैं, 25 कंट्रीज में नंबर बढ़े हैं। तो 167 कंट्रीज को एनालाइज किया गया एक तरीके से, जिनमें से 123 कंट्रीज रची थी जहां मेजोरिटी का शेयर गिरा है 2015 में कंपेयर टू 1950, और मेजोरिटी का शेयर 44 कंट्रीज में बढ़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो डेटा सेट हमें बता रहा है। तो इंपॉर्टेंट कंट्रीज में जहां आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे, ईरान, थाईलैंड, टर्की, कोलंबिया, मॉरिशिया, कोमोरस, हेती, अफगानिस्तान, तो आप देख रहे हैं अफगानिस्तान का फॉर एग्जांपल मेजर रिलीजन मुस्लिम्स था, मेजोरिटी शेयर 88.75 था जो कि अब बढ़ के 89.01 हो गया, हनाफी इस्लाम वहां पे फॉलो किया जाता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये कंट्रीज है जहां बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं। नाउ साउथ एशिया की हम बात करेंगे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, बिकॉज दैट इज अवर नेबरहुड। तो साउथ एशियन नेबरहुड में मेजोरिटी रिलीजियस डोमिनेशन हैव इंक्रीज्ड इन सम कंट्रीज, इन सम कंट्रीज दे हैव श्रंक आल्सो। माइनॉरिटीज जो हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान में तेजी से कम हुई है। नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में म्यांमार, इंडिया और नेपाल, ये 3 कंट्रीज हैं जहां शेयर जो है मेजोरिटी का वो गिरा है। म्यांमार में स्टीपेस्ट डिक्लाइन है रीजन के अंदर, उनके यहां मेजोरिटी रिलीजन थेराबादा बुद्धिस्ट था, तो ये पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो गई बाय 10% इन द पीरियड अंडर स्टडी। पाकिस्तान में 3.75% का इंक्रीज है मेजोरिटी रिलीजियस डिनोमिनेशन में, दैट इज हनाफी मुस्लिम, 10% इंक्रीज इन द शेयर ऑफ टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन डिस्पाइट द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश इन 1970, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितनी भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं उनका जो मेजोरिटी का जो शेयर है वो बढ़ा है, एक्सेप्ट मालदीव्स जहां पे मेजोरिटी ग्रुप्स जो है सफी सुन्नीज, उनका डिक्लाइन हुआ है बाय 1.47, लेकिन अभी भी मुस्लिम्स ओवरऑल अगर आप देखें तो मालदीव्स के अंदर मेजोरिटी में। बांग्लादेश बहुत ही सीरियस केस है, 18% इंक्रीज हुआ है मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप में जो कि इस्लाम है, लार्जेस्ट सब इंक्रीज है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। 2015 में हिंदू पॉपुलेशन जो है 8% तक डिक्लाइन कर गई है, 66% डिक्लाइन कंपेयर टू 1950। टोटल हिंदू पॉपुलेशन बांग्लादेश के अंदर 8% है और 1950 से जो डिक्लाइन देखा जा रहा है वो है 66% है। हालांकि
दुनिया भर में अगर हम देखें माइनॉरिटीज ऑन एवरेज जो है 22% ग्लोबली डिक्लाइन की है, ऑलमोस्ट 3 times बांग्लादेश में माइनॉरिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई। श्रीलंका और भूटान में जो कि नॉन मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, वहां पे मेजोरिटी रिलीजियस डोमिनेशन बढ़ा है, दोनों जगहों पे बुद्धिज्म है शेयर जो है मेजोरिटी, श्रीलंका में वो थेरावादा बुद्धिस्ट हैं, इनकी पॉपुलेशन 5% बढ़ी है, और जो हिंदू पॉपुलेशन है उसका जो डिक्लाइन है वो भी 5% है। भूटान के अंदर भी तिब्बतन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है 18% से बढ़ी है, हिंदू पॉपुलेशन जो है 23% थी वो 11% हो गई है सेम पीरियड में। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नेपाली हिंदूज को वहां से फोर्सफुली इवेक्ट किया गया था ड्यूरिंग 1990s। नेपाल के अंदर मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन 4% डिक्लाइन कर गई है, 1950 में 84% थी आज 81 है, हालांकि मुस्लिम्स जो हैं उनका नंबर बढ़ा है 2.6 to 4.6, 75% का जंप देखा जा रहा है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑल्सो जो कि जीरो थी 1950 में, अब 2% के अराउंड है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, ये हम देख सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन द शेयर ऑफ मेजोरिटी, जो रेड वाली कंट्रीज हैं जिसमें आप देख सकते हो बांग्लादेश सबसे ऊपर है, भूटान ऊपर है, यहां पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी उसका नंबर और भी तेजी से बढ़ा है, उससे जो नीचे दैट इज 10.50 जो पिंक आपको कंट्रीज दिख रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान यहां या श्रीलंका, यहां पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी उसका नंबर बढ़ा है लेकिन इतनी स्पीड से नहीं बढ़ा कंपेयर टू बांग्लादेश और इंडिया, एंड एज यू कैन सी दैट इज म्यांमार बर्मा, यहां पे मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी रिलीजियस इंडिया में हिंदूज, म्यांमार में थेरावादा बुद्धिस्ट, उनका नंबर कम हुआ है। तो म्यांमार में 9.84 डिक्लिनेशन हुआ है मेजोरिटी पॉपुलेशन का, इंडिया में 7.82, नेपाल में 3.61, मालदीव्स में -1.47। बट रिमेंबर मालदीव्स में डोमिनेंट मुस्लिम सेक्ट का नंबर कम हुआ है लेकिन ओवरऑल मुस्लिम मेजोरिटी में है। अफगानिस्तान पाकिस्तान श्रीलंका भूटान बांग्लादेश यहां पे आपको मेजोरिटी का नंबर दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश बहुत ही अलार्मिंग है 18.55। इंडिया के अंदर मेजोरिटी हिंदू पॉपुलेशन जो है 7.82% डिक्लाइन हुई है, तो 84 थी 1950 में आज 78 है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ओवरऑल पॉपुलेशन अगर आप देखें हिंदूज राइट नाउ आर मोर देन 100 crores, तो एब्सोल्यूट नंबर बढ़े हैं लेकिन जो परसेंटेज था विजावी टोटल पॉपुलेशन वो गिरा है। मुस्लिम पॉपुलेशन 1950 में आफ्टर पार्टीशन वो 9.84 जो कि आज 14.90 है। क्रिश्चियंस 2.24 थे आज 2.36 है, हालांकि नंबर्स आर somewhat non-trustworthy because in India many communities, many social groups, many individuals they hide their religious identity to get affirmative action programs. जो reservation की policies हैं as you are aware of उसमें Muslims और जो Christian converts उनको benefit नहीं मिलते, तो on paper they may have some other religion, in practice they may follow some other religion, तो India में ये एक problem भी है, इसलिए जो number है Christian population का वो इससे definitely ज़्यादा है। शेयर ऑफ सिख पॉपुलेशन ऑल्सो 1951.24 थी आज 1.85 है। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है उसमें भी इंक्रीज है, 0.05 था आज 0.81 है। शेयर ऑफ जैन्स इन इंडिया दे हैव डिक्लाइंड, यस द मोस्ट सक्सेसफुल माइनॉरिटी इन इंडिया दे हैव डिक्लाइंड। पारसी पॉपुलेशन जो है उसमें भी 85% डिक्लाइन देखा गया, तो ये दो जो रिलीजन है इनमें डिक्लाइन देखा गया। इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा सेट आपके सामने। तो जो ग्लोबल ट्रेंड है वो ये है कि सेकुलराइजेशन का जो प्रोसेस था कि भाई मॉडर्निटी आ गई है, साइंस टेक्नोलॉजी की इतनी ग्रोथ है, 18th सेंचुरी का जो यूरोप का रेनासा पीरियड था, पुनर्जागरण काल जैसे हम कहते हैं, जिसके बाद ये बात की जाती थी कि रिलीजन जो है इट विल सिंपली डाई आउट और साइंस विल डोमिनेट, साइंस विल बी द न्यू रिलीजन, ये सब फेल हो गया। हम देख रहे हैं दुनिया भर में कि रिलीजियस जो आइडेंटिटी है इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट, ये डेटा सेट भी वही बात कर रहा है, और रिलीजन इज बैक हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, किसको हम दोस्त बना रहे हैं, किससे हम शादी कर रहे हैं, योर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, योर माइग्रेशन एटीट्यूड, एवरीथिंग दैट इज डिटरमिंड बाय रिलीजन दीज डेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं जो यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद निकल के आए, अभी जैसे वियतनाम में भी बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन बढ़ा है, परसेंट ओवरऑल जो मेजोरिटी थी उनकी एज पर द डेटा सेट, और जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स हैं जिन्हें हम फाइव जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5 तांस जिनको हम कहते हैं,
उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज हैं, यहां पे भी जो रिलीजियस अधरेंस हैं टू दे हैव इंक्रीज सब्सटेंशियली। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंपली ऑन द बैक सीट और रिलीजन इज बैक। अब्राहमिक रिलीजन आर ऑन द मार्च, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम पर्टिकुलरली, इस्लाम उसमें भी आगे है, हम देख रहे हैं नंबर सुन के, जहां ऑलरेडी वो मेजोरिटी थे और भी ज्यादा बढ़े। तो जो डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी इन कंट्रीज में काफी ज्यादा श्रिंक हुई है। दे आर द पीपल ऑफ द बुक, तो जो जूडिज्म है, जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम है, दे शेयर वेरी लॉट मेनी कॉमनैलिटीज, इन्हें अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं। जैसे इंडिया में इंडिक रिलीजन्स हैं, जिसमें हिंदुइज्म है, जिसमें सिखिज्म है, जिसमें जैनिज्म है, जिसमें बुद्धिज्म है। तो दो सेट ऑफ रिलीजन है दुनिया भर में, एक है अब्राहमिक, एक है इंडिक रिलीजन्स। इकोनॉमिक वाइब्रेंसी जो है उसका कोरिलेशन है रिलीजियस डाइवर्सिटी से। जहां जहां इकोनॉमिक आपको दिखाई देगी कि रिलीजियस डाइवर्सिटी है, अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई इंडिया, जापान, इन तरह की कंट्रीज में इकोनॉमिक वाइब्रेंसी नहीं है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि वहां पे डाइवर्सिटी नहीं है। तो दिस इज समवॉट ट्रू, ऐसी कंट्रीज जो ओपन है टू देयर माइनॉरिटीज, टू पीपल हु डिसएग्री विद द मेजोरिटी व्यू, वहां पे आपको इकोनॉमिक वाइब्रेंसी दिखाई देगी। वेस्टर्न वर्ल्ड इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल। ज़ेनोफोबिया, द फियर ऑफ आउटसाइडर्स, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी ज्यादा तेजी से उभर के आया है। शार्प डिसएग्रीमेंट्स हैं इन द पॉलिटिकल पार्टीज अबाउट माइग्रेशन, अबाउट ग्लोबलाइजेशन, किसका हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, हमारी पॉपुलेशन श्रिंक डाउन हो रही है। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी को कहते हैं, ये काफी ज्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि वाइट्स को, वाइट्स क्रिश्चियंस को रिप्लेस किया जा रहा है विथ माइग्रेंट्स ऑफ कलर। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट इसलिए हमें देखने को मिल रहा है। डाइवर्सिटी जो प्लूरिज्म था उसको चैलेंज किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि राइट विंग पार्टीज उभर के आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, दैट इज फार मोर डिफरेंट कंपेयर टू जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन पार्टी। तो तीन जो एफ होते थे रिपब्लिकन पार्टी के कोर एजेंडे में, इसमें से पहला होता था फ्लैग, दैट इज नेशनलिज्म, दूसरा होता था फैमिली, और तीसरा होता था फेथ, रिलीजन। इनमें हम देख रहे हैं कि फ्लैग और फैमिली तो है ही, लेकिन फेथ के ऊपर अब बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये वजह है क्योंकि माइग्रेंट पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी है और जो लोकल पॉपुलेशन है दे आर सिंपली फियरिंग, ज़ेनोफोबिया इसलिए बढ़ा है। सो दिस डेटा सेट ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज हैपनिंग। ओईसीडी कंट्रीज का हमने डेटा देखा कैसे वहां पे मेजोरिटी डिनोमिनेशन डिक्लाइन किया है। इंडियन डायस्पोरा विल बी अफेक्टेड। विवेक रामास्वामी द कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल पोल इन अमेरिका, जिसने बाद में उसने अपना कैंडिडेटचर वापस ले लिया, अभी उसका एक इंटरव्यू आया जिसमें द पर्सन whom with he is talking to is simply saying ki I cannot would have not voted for you because you were Indian despite of the fact ki I agree with you most of the things that you say. Indian diaspora ek bahut bada diaspora hai jo western world mein hai, baki countries mein hai, uske upar bhi iska effect dikhai dega because they will be the target on the target list. India ke liye ek negative bhi news hai. Agar religious denomination tezi se change ho rahe hain to stability society ki will be under question. Flux hoga, changes honge. इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी इज इन गुड हेल्थ, यस, डेमोक्रेसी जिसमें माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है। रिमेंबर इंडिया में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट है 1993 का, 1992 का, जिसमें माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं आर्टिकल 29 एंड 30, हालांकि रिलीजियस माइनॉरिटीज में डिस्क्राइब नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो डेमोक्रेसी आप कह सकते हो इज इन गुड हेल्थ। जो भी बातें की जाती है इंडियन डेमोक्रेसी इज इन डिक्लाइन, इट इज रबिश, एस as we have seen in the data, minority population badhi hai. Religious minorities are thriving, Indian secularism is alive and kicking. Indian secularism jo idea hai sardhar sambhav ka, wo bahut hi powerful idea hai which simply animate the entire society. So secularism ki baat jo ki jati hai Indian secularism is dead is simply not true, jo ki number hame bata rahe, despite of the fact ki India में पार्टीशन एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल फिनोमेना। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज जस्टिफाइड, क्योंकि हमें और प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज जो प्रोसिक्यूटेड हैं नेबरहुड में उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। इंडिया हैज ऑलवेज बीन वेरी वेलकमिंग, चाहे वो तिब्बतन बुद्धिस्ट हों या फिर वो पर्शिया के जो राष्ट्रियंस रहे हों, वी हैव ऑलवेज प्रोवाइडेड रिफ्यूज। और
हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, यहां हम देख रहे हैं कि तेजी से जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर रही है। तो सीएए इथिकली मोरली जस्टिफाई, ये बात इस रिपोर्ट के बेसिस पे की जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो है, डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन, फेक न्यूज और भी तेजी से बढ़ेंगे। पॉपुलेशन जिहाद के बारे में जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है और तेजी से फैलाई जाएगी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, दैट इज प्रीटी मच देयर, यू कैन कंक्लूड फ्रॉम द रिपोर्ट। कॉमन सिविल कोड इज कमिंग, रिमेंबर हायर फर्टिलिटी रेट्स आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड। तो फर्टिलिटी जो रेट है उसको हमें कम करना है जिससे वुमन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जा सके और जो सोशियो इकोनॉमिक एक जो स्ट्रेटा है पर्टिकुलरली इन द माइनॉरिटी कम्युनिटीज उनको ऊपर उठाया जा सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फर्टिलिटी रेट को कम किया जाए, रिप्लेसमेंट लेवल तक उसको लेके आया जाए। इसीलिए ये जो बात की जा रही है कॉमन सिविल कोड की, इट विल कम, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम, और ये रिपोर्ट बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करेगी। पार्टीशन जो फैक्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर विल बी पीपल हु विल टॉक अबाउट हाउ पार्टीशन हैपेंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हालांकि उस लॉजिक को इंडिया ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ऐसे रीजन जहां मुस्लिम्स मेजोरिटी थे जैसे अफगानिस्तान, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। द ओनली मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस दैट इज स्टिल विद इंडिया इज जम्मू एंड कश्मीर, और वहां भी इंसर्जेंसी चल रही है 1990s। इसके ऊपर और भी ज्यादा बात की जाएगी कि कैसे जो डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी है उसको बनाया जाए। एंड वी नीड टू, देयर इज अ नीड फॉर सेकुलराइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन फॉर ऑफ मुस्लिम्स एज वेल, इंडियन मुस्लिम्स, क्योंकि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में मुस्लिम सबसे नीचे आते हैं, इवन बिलो दलित्स। एजुकेशन बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है, फर्टिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लार्जर फैमिली साइजेस आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इन मॉडर्न एज। इसीलिए मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है एंड सेकुलराइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस रिपोर्ट को आप यूज कर सकते हैं सोसाइटी में, जीएस पेपर वन में, जीएस पेपर टू में, सोशल जस्टिस में, एथिक्स के अंदर और एसे के अंदर डेफिनेटली।